फ्रेंड्स, टीआरपी स्कैम में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि फॉर्मर बार्क सीईओ पार्थोदास गुप्ता को बेल मिल गई है। ये खबर आ रही है, पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। खबर ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को टीआरपी स्कैम में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को बेल दे दी है। क्राइम ब्रांच द्वारा उन पर धारा 409-420 के तहत मुकदमा चला गया था। दास गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी रेटिंग्स में हेर फेर की थी। सेशन कोर्ट द्वारा पार्थोदास गुप्ता को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज एक खबर आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से पार्थोदास गुप्ता को बेल मिल गई है। दास गुप्ता को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह तलोजा जेल में बंद थे। बीच में हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। वह जून 2013 से नवंबर 2019 के बीच बार्क के सीईओ भी रह चुके हैं। 12,000 अमेरिकी डॉलर और रुपए लेने का आरोप है, दैट इज इक्वलेंट टू 40 लाख इंडियन रुपीस। इसके साथ ही पिछले महीने सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को याचिका पर आदेश रिजर्व कर दिया था। जमानत की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने बार्क फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत भरोसा किया, जिसमें दासगुप्ता व्हाट्सएप के कई पूर्व अधिकारियों के नाम शामिल हैं। व्हाट्सएप पर उनके और गोस्वामी के बीच कथित चैट है। जस्टिस नायक ने गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच कथित पुलवामा बातचीत के बारे में और जानकारी मांगी कि पूछा कि क्या चैट के खुलासे के बाद कोई अलग मामला दर्ज किया गया। इस पर अभियोजक ने नकारात्मक जवाब दिया। दासगुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अबात मोंडा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके मुवक्किल पिछले 3 वर्षों से 10 करोड़ आयकर के रुपए जमा करा चुके हैं टैक्स में। टीआरपी के हेरफेर करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट को खारिज कर दिया। पोंडा ने तर्क दिया कि कथित अपराध एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ट्रायल चलाए जाने योग्य था और बार्क के सीईओ रोमिल रामगरिया सहित अन्य सभी आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार रामगरिया ने वास्तविक टीआरपी में हेरफेर किया है, जबकि उन पर केवल आंखें मूंदने का आरोप है। पोंडा ने 20 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए अपने तर्क पूरे किए, जहां दासगुप्ता ने कथित तौर पर गोस्वामी से कहा वह हमेशा एक दोस्त के रूप में उनके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। ये कहना था पार्थोदास गुप्ता के वकील का। वहीं पार्थोदास गुप्ता को लेकिन आज एक बड़ी खबर, बेल मिल गई है टीआरपी स्कैम में। 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया है, लेकिन वहीं अच्छी खबर है पार्थोदास गुप्ता एंड फैमिली के लिए कि टीआरपी स्कैम में आज उन्हें बेल मिल गई। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।